आप जो ये प्लास्टिक देख रहे हैं ये वही प्लास्टिक है जो आपके घर से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जिग जैग शेप के हैं, तो ये बेसिकली हमारे प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट कंक्रीट से मिले हुए प्रोडक्ट है। इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या लाइसेंसेस की जरूरत होती है? लाइसेंस की अगर बात करें इसमें बहुत सारे लाइसेंस हमें नहीं चाहिए होते। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये 1 acre एरिया है। प्लास्टिक ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल आप अपने घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक में करते हैं। प्लास्टिक जो कभी लोगों की समस्या का समाधान हुआ करती थी, आज वही लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है और इस मुसीबत से निजात पाने के लिए पूरी दुनिया प्रयास कर रही है। इस प्रयास को हम नाम देते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का। IIT इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो देश के कोने कोने से आपके लिए लेकर आता है एक ऐसा यूनिक आइडिया, एक ऐसा बिजनेस स्टार्टअप आइडिया जिसे शुरू कर ना सिर्फ आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं बल्कि देश के विकास में भी अपना संपूर्ण सहयोग देते हैं। इसी कड़ी में इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको लेकर जा रहा है हरियाणा राज्य के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हम आपको बताएंगे इसी बिजनेस से जुड़े एक यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के बारे में। कैसे है ये बिजनेस, क्या है ये बिजनेस, आइए जानते हैं। दोस्तों हमारे सफर की शुरुआत हो चुकी है और हम कूच कर चुके हैं हरियाणा राज्य के झज्जर डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जहां हम आपको रूबरू करवाएंगे एक यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया से। यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस क्या है वो तो हम आपको इंडस्ट्री पहुंच कर बताएंगे, लेकिन आपको भूमिका के तौर पर बता दें कि इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन देयर इज अ सॉल्यूशन एंड एवरी सॉल्यूशन हैज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ स्टार्टअप। प्रॉब्लम है यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट की और इसका सॉल्यूशन है मैनेजमेंट, यानी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। दोस्तों जिस सफर की हमने शुरुआत की थी अब उसकी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी का स्वागत है रीप्लास के यूनिट में। इस यूनिट के अंदर हम आपको बताने वाले हैं यूनिक और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के बारे में। ये बिजनेस आइडिया है प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग का। ये जो ब्रिक्स आप देख रहे हैं ये वो ब्रिक्स हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल हो रहे प्लास्टिक से बने हैं। जी हाँ, उन प्लास्टिक्स को रिसाइकल करके इन ब्रिक्स को बनाया गया है। इन्हें इंटरलॉकिंग टाइल्स भी कहते हैं और इनका इस्तेमाल हर उस जगह होता है जहां पर सरफेस फ्लोरिंग और का काम होता है। ये वो सरफेस होते हैं जो आप पार्क में देखते हैं, फुटपाथ पर देखते हैं, और ये वही ब्रिक्स हैं। लेकिन नॉर्मल ब्रिक्स से ये थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा इनोवेटिव आइडिया के साथ तैयार किए गए हैं। आप इस बिजनेस से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं और कैसे इस बिजनेस को करके देश को स्वच्छ बना सकते हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए मौजूद है हमारे साथ रीप्लास के MD मिस्टर राजीव राणा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है IIT के इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में, और अब मैं चाहूंगा कि आप हमें और हमारे व्यूअर्स को इस इंडस्ट्री के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानकारी दें। थैंक यू सो मच राहुल एंड IIT टीम, जिन्होंने हमें एक ये प्लेटफॉर्म दिया अपने इस इनिशिएटिव के बारे में बताने का। ये बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है जो प्लास्टिक कचरे से बनाया हुआ है। पहले लोग सारे कॉन्क्रीट के यूज करके इंटरलॉकिंग टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स बनाते थे, अभी हमने उसमें एड ऑन किया हुआ है प्लास्टिक, और प्लास्टिक भी कौन सा, जो वो वाला प्लास्टिक जिसको कोई भी यूज नहीं करता, वो वाली प्लास्टिक जो विच इज हजार्डियस टू द एनवायरमेंट। अगर हम बात करें उस वाली प्लास्टिक की जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैन किया था, जो हमारी सिंगल यूज प्लास्टिक उसको बोलते हैं, मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, और ये वो वाली प्लास्टिक होती है जो हर घर में हर दिन हम सभी लोग उसको यूज करते हैं। और इस प्लास्टिक्स को जो एनवायरमेंटली सबसे ज्यादा हजार्डियस है, बाकी वाली प्लास्टिक्स की बात करें तो सभी रिसाइकल होके एक फाइनल प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट
बनता रहता है और रिसाइकल होता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको रिसाइकल आज भी लोग नहीं करते। सो हमने एक छोटे से सफर की शुरुआत की है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों ने तैयार किया है जिसको हम पेवर ब्लॉक्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स और फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी कहते हैं। आइए मैं आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसके बारे में अवगत कराता हूँ। ये हमारा एक वेस्ट होता है जिसको हम सीएनडी वेस्ट बोलते हैं। सीएनडी वेस्ट होता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट। सीएनडी वेस्ट ये होता है जैसे पुराने घर जितने भी होते हैं उनको रेनोवेट करने के लिए नया घर हम लोग बनाते हैं, तो जो जिसको हम मलबा बोलते हैं उसको हम, जिसमें स्टोन डस्ट एग्रीगेट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद से हम जो सेकंड वाला हमारा रॉ मटेरियल होता है वो होता है सिंगल यूज प्लास्टिक, मल्टीलेयर प्लास्टिक। मेनली वो प्लास्टिक वेस्ट होता है जिसको हम कचरा बोलते हैं जनरली। सो मैं आपको एक बार कचरे के बारे में बता दूं तो कौन कौन सा प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट की, प्लास्टिक कचरा, जिसको हम प्लास्टिक कचरा बोलते हैं, जिसको जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, ये वो वाली प्लास्टिक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये ब्रेड के रेफर्स होते हैं, मिल्क पाउचेस होता है, ये हमारी पैकेजिंग के काम आता है, ये हम ग्रोसरी स्टोर से जो भी हमारा सामान आता है ग्रोसरी स्टोर से आता है, कुरकुरे के पैकेट्स, चिप्स के पैकेट्स, और ये वो वाले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को ये पोल्यूट कर रहे हैं। इनका कोई भी सॉल्यूशन एक जेन्युइनली नहीं होता, या तो ये लैंडफिल्स में जाते हैं, लैंडफिल्स में जाने के बाद से ये हमारी सॉयल की जो क्वालिटी होती है उसको डैमेज करते हैं, या ये वाटर बॉडीज में जाते हैं और वाटर बॉडीज में जाके वाटर को कंटामिनेट करते हैं। प्लस अगर तीसरी हम इसकी बात करें तो तीसरी होती है हमारा, इसको अगर हम इसको बर्न करते हैं, हीट करते हैं, तो ये बर्निंग करते हुए ये एनवायरनमेंट को, एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो ये तीन हमारे इसके होते हैं, हम इसको जहाँ पर भी ले जाएंगे जाएं वहीं पे ये पॉल्यूट करेगा, चाहे हम इसको वाटर बॉडी में लेके जाएं, चाहे हम एयर में करें, या फिर उसको लैंड, जो लैंडफिल्स हमारे हो गए वहाँ पर करें। सो दिस इज द वर्स्ट विच वी हैव सीन इन द प्लास्टिक फॉर्म्स। प्लास्टिक तो और भी तरह की होती है, प्लास्टिक बहुत तरह की होती है। हम बात करें हाई डेंसिटी की, लो वैल्यू एलडीपी की, एचडीपी की, पेट बॉटल्स की, या फिर हम बात करें पीपी की, वो सारा रिसाइकल होता है। हम उसको किसी भी रिसाइकलर के पास अगर देखें तो सभी लोग लेके जाते हैं और एक रिसाइकलर उसको कलेक्ट कर लेता है, उनके बदले अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट दे देता है और उसको प्रोडक्ट को हम रिसाइकल कर लेते हैं। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट वो होता है जिसको रिसाइकल नहीं करते लोग आज भी। आज भी ये एयर्स में रॉम अराउंड होता है, या फिर ये सीमेंट फैक्ट्रीज में बर्न होके और एक एनर्जी फ्यूल के रूप में इसको ले लिया जाता है। मूविंग फॉरवर्ड, अभी तक जो हमने बात की है वो की है हमने प्लास्टिक वेस्ट की। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो तीसरा कंपोनेंट है हमारा, वो भी अगेन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं। और फ्लाई ऐश होता है जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से निकला होता है, NTPC से फ्लाई ऐश। और फ्लाई ऐश के साथ साथ में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है कॉपर स्लैग। इन सभी की मात्रा एक मिला के हम लोग फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। अब आइए हम आपको एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके चलते हैं जहाँ पर हमारा वेस्ट टू वंडर और वेस्ट टू ब्रिक्स बनती है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस आता है वो ये मशीन होती है, हमारी क्लीनिंग मशीन। इस मशीन से हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, उसको क्लीन करते हैं। और वो प्लास्टिक रॉ मटेरियल हमारे पास ये वाला होता है, ये हमारे पास म्यूनिसिपल से आता है, रैग पिकर से आता है, जो हम कलेक्ट करते हैं या फिर हम लैंडफिल से लेके आते हैं। बट इसमें बहुत सारे अनवांटेड आइटम्स, डस्ट के पार्टिकल्स और बहुत सारा कूड़ा होता है इन द सेंस। तो इस मशीन के थ्रू हम सबसे पहले इसको क्लीन करते हैं। सो क्लीन फॉर्म में आके ये एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है जब ये शेडिंग के प्रोसेस में जाता है। सो जितने भी अनवांटेड और डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे निकल जाते हैं और जो हमारे पास में जो एक अच्छी साफ नीट एंड क्लीन प्लास्टिक बचती है वो आगे यहाँ पर आ जाती है। अब हम आपको लेके चलते हैं जो उसका सेकंड प्रोसेस है, यहाँ से क्लीन होने के बाद में शेडिंग वाले प्रोसेस पर। तो मैं आपको शेडिंग की तरफ लेके चलता हूँ। सो अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में, जहाँ पर हमने वो प्लास्टिक को क्लीन किया है उसी क्लीन प्लास्टिक को हम लोग अब शेडिंग फॉर्म में लेके जाते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में उस क्लीन प्लास्टिक को निकालेंगे। सो ये हमारी शेडिंग मशीन होती है। इस शेडिंग मशीन के थ्रू हम लोग यहाँ से इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स
और काइंड ऑफ एक पाउडर फॉर्म बना लेते हैं जो प्लास्टिक की होती है, ये वाले। सो इस वाले प्लास्टिक को अब हम लेके चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जहां पर हमने अभी प्लास्टिक एज ए रॉ मटेरियल शेडेड प्लास्टिक हम ले लिया है छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में। अब हम उसको अपने कॉन्क्रीट वाले प्रोडक्ट में, जो कॉन्क्रीट वाला हम लोग एक मसाला तैयार करते हैं उसमें विद द हेल्प ऑफ मिक्सर उसको हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद से हम लोग उसे अपने उसी तरह से सांचे में यानी कि मोल्ड में तैयार कर लेते हैं और मोल्ड में एज पर द डिजायर्ड शेप उसको दे देते हैं, चाहे वो डम्बल शेप होती है, जिगजैग शेप होती है, चेकर्ड शेप होती है, या हम एक रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं। बनाने के बाद से ये वाला मिक्सिंग प्रोसेस तैयार हो जाता है और फिर हम एक फाइनल शेप में आके एक फाइनल प्रोडक्ट दे देते हैं विच इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग टाइल्स, पेवर ब्लॉक्स एज वेल एज द फ्लाई ऐश ब्रिक्स। सो दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। सो अब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है ये। अब हम इसको रेडी होने के बाद जो भी हमारे मोल्ड हैं तैयार हैं, अब हम उनको नेक्स्ट 24 आवर्स में यानी कि विद इन 24 आवर्स में डीमोल्ड कर देते हैं और डीमोल्ड करने के बाद स्टैक एरिया में उनको एक स्टैक कर लेते हैं। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो रेडी टू लाइक अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स अराउंड 28 डेज उसको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ लाने में लगता है एंड नाउ रेडी टू सेल। दोस्तों प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक्स इंडस्ट्री, इसके बारे में बहुत डिटेल जानकारियां हमें राजीव राणा जी ने दी। अब हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए बेसिक जरूरी जानकारियों की। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। सर कितना एरिया हमें चाहिए होगा इनिशियल स्टेज पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए? जो ये मेरा एरिया है ये 1 एकर है विच इज 4840 स्क्वायर यार्ड्स, जिसमें हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक तरफ हम लोग फ्लाई ऐश प्लास्टिक फ्लाई ऐश ब्रिक्स बना रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग प्लास्टिक इंटरलॉकिंग टाइल्स बना रहे हैं। अगर मैं इसको हाफ हाफ भी कर दिया जाए तो भी सफिशियंट है। सो अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट टू 2400 स्क्वायर फीट के आसपास हम लोग एक यूनिट को कर सकते हैं जी। काम करने वाले लोगों की बात करूं तो शुरुआती स्तर पर हमें कितने लोगों की जरूरत होगी, कितने लोग स्किल्ड होंगे, कितने अनस्किल्ड होंगे, क्या सुपरवाइजर का काम होगा और अकाउंट स्टाफ क्या हमें चाहिए, इसके बारे में सर हमें बताएं। एक यूनिट को अगर हम शुरू करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली एक 8 आवर्स की जो शिफ्ट होती है उसमें 12 to 13 पीपल इंक्लूड्स होते हैं, ऑलमोस्ट अनस्किल्ड स्टाफ होता है। अगर हम सुपरवाइजर की बात करें तो 1 सुपरवाइजर इज सफिशियंट, तो 12 से 13 लोग के आसपास टोटल काम करते हैं एक यूनिट को रन करने के लिए। सर इलेक्ट्रिक लोड हमें कितना चाहिए होगा? अगर मैं इन मशीन्स की बात करूं, एक प्रोसेस की बात करूं, तो मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोवाट इज सफिशियंट। हालांकि हमने यहाँ पर 49 किलोवाट की एक मंजूरी ली हुई है जो हमारे दोनों प्रोसेस को रन करती है, जिसमें हमारे फ्लाई ऐश ब्रिक्स भी आती हैं और हमारी इंटरलॉकिंग भी आती है जो दोनों ही प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट्स हैं। इस इंडस्ट्री से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स पर हमने बात कर ली और अब बात होगी इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपकी टोटल मशीनरी कॉस्ट लगभग 35 से 40 लाख रुपए हो सकती है। वहीं अगर इसमें 15 से 20 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल ऐड कर दें तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 50 से 60 लाख रुपए हो जाएगी और प्रॉफिट के तौर पर आप इस बिजनेस से लगभग 15 से 20% तक का मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। बाकी आपका प्रॉफिट आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी पर भी निर्भर करता है। अब आपको बताते चलें कि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन के काम में, रेलवेज के स्लीपर्स को बनाने में और पाथवेज, फुटपाथ आदि बनाने में किया जाता है और इसे बढ़ाया जा सकता है क्योंकि हमारा देश भारत सालाना 3.3 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। सो राहुल जी, मैं आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एक बार दिखा देता हूँ जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट्स को हमारे इंटरलॉकिंग पेवर्स बोलते हैं और ये वाली जो है ये जिगजैग शेप के हैं और ये वाले जो है ये आई शेप और डम्बल शेप के हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ, दीज आर द कलरफुल पेवर ब्लॉक्स। कई सारी शेप्स और भी हमारे पास में, जैसे हम लोग चेकर्ड भी बना रहे हैं, डम्बल शेप, जिगजैग शेप और चेकर्ड है, 1x1 विच आर द रेक्टेंगुलर शेप। सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के शेप्स हैं हमारे। सर कलर करने के बाद वाकई में ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सर एक जानकारी मैं आपसे चाहूंगा कि किस तरह के लाइसेंसेस की हमें जरूरत होती है जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं? क्योंकि ये वाले प्रोडक्ट हमारे कार्बन नेगेटिव प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं, तो इनमें बहुत सारे लाइसेंस की जरूरत नहीं होती क्योंकि हम लोग कोई भी हीट,
मेल्ट, टॉक्सिक फ्यूम्स कुछ भी जनरेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इनमें बहुत सारे लाइसेंस की हमें ज़रूरत नहीं होती। हाँ, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जो गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स होते हैं, हमारा GST रजिस्ट्रेशन है, उद्यम से रजिस्ट्रेशन होता है। राजीव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने IID और हमारे व्यूअर्स को इस इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत ज़रूरी और अहम जानकारियाँ प्रोवाइड कराई हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट आर इनिशिएटिव, एंड इट्स ए बिग थैंक यू टू यू and you're the entire team, IID team. Thanks to you. Thank sir. You so Thanks much, to sir. You too. Sure. दोस्तों, ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल हमारे घरों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक में किया जाता है, और अगर इसका रीयूज या फिर इसे रिसाइकल ना करें तो ये हमारे वातावरण के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकते हैं। और आज IID की इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में उन्हीं बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका आपको IID ने बताया, यानी प्लास्टिक वेस्ट टू ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आप तक पहुंच गई होगी और आप भी इस बिजनेस को शुरू कर अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। ना सिर्फ प्रॉफिट कमाएंगे बल्कि देश के विकास में और देश को स्वच्छ रखने में भी अपना पूर्ण सहयोग देंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू IID से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अदर डिटेल जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट करें। सभी इंडस्ट्रियल जानकारियों को, सभी इंडस्ट्रियल नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त करने के लिए आप हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करें।